चलो चलो, थ्री टू वन दो। रॉक पेपर। अरे यार बोल अपना ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर ना, मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आई हैव टू फोकस ऑन माय गेम। ओ फोकस, ठीक है चलो। रॉक पेपर सी नहीं नहीं फिर से सुन ले ना, रॉक और क्या चाहिए। अरे ये तो साथ में था, मैं बोलता हूँ, चल फिर से कर। ये गलत बात है यार। नहीं 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 वो बार अलग अलग है, जल्दी जल्दी चल। चल चल चल, रॉक पेपर सिजर। अभी क्या दिया तू भाई? अरे है ना भाई, ठीक है ठीक है, मेरा हाथ वैसे ही है, दोनों एलिजिबल नहीं है। क्या मजे ले रहा है यू गेट शगुन स्पेस, शी इज कंप्लीटली डिजेक्टेड एंड वेरी सैड। आई मेरे को कुछ मैसेज आया, दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम ना, ठीक है। मेरी स्क्रीन के अंदर रखो तुम लोग। हां लोग लोग के साथ बात पड़ी है। पेपर सीजर अब तो सही है भाई। कैन यू सी कि वो थोड़ा लेट कर रहा है, मेरे डालने के कार्ड डाल रहा है। लेट्स ड्रॉप दिस, एक बार काउंट कर लो, सपोर्ट काउंट कर लो ग्रुप पे। अरे कॉल कर ले स्मार्ट वन। अरे हैज टेकन ओवर। अब चलो सेकंड वाला क्या चल रहा है भाई? चलो चलो या या सेक्शन एक आ रही कर लो, मैं कर रहा हूं, रुको रुको एक एक साइड। अब ये एआई यार, ये एआई पे मत करो यार, शगुन मैम प्लीज इंटरफेयर करो, तो मेरे स्किल्स के अगेंस्ट है यार, ऐसे कैसे? तो लेवल अप ना, जो से स्क्रीन के बाहर दिखाने वाले देखो, ऐसा ऐसा चीटिंग नहीं करते स्क्रीन के बाहर। अरे आरे चला गया, और कितना अरे यार आरे चला गया। लास्ट 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 लास्ट, रॉक पेपर सीजर। अभी अंकन जीता, अभी अंकन जीता। देखो मुझे तो ऐश्वर्य, चुप 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 चुप, ऐश्वर्य वर्सेस अंकन। चल जल्दी 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 ऐश्वर्य आ जा लाइन पे। उमंग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऐश्वर्या वर्सेस अंकन? दोनों को सेम गोल रोल नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य को क्या चाहिए? ऐश्वर्य वांट टू यू क्या चाहिए जल्दी बोल, ऐश्वर्य जल्दी बोल क्या चाहिए? गाड़ी ठीक है। तो अभी अंकन अंकन को क्यूटी मिल गया, अंकन को क्यूटी मिल गया। ऐश्वर्य वर्सेस निवेदा, लेट्स गो अंकन, सॉरी निवेदा वर्सेस ऐश्वर्या, लेट्स गो। डोंट गिव इन टू दिस फ्रेमवर्क। ऐश्वर्या ऐश्वर्या ओपन योर कैम, ओपन योर कैम फास्ट। अरे माय वाईफाई शिट, लाइक दैट्स व्हाई आई हैवंट स्विच्ड इट ऑन। अरे ऐसे कैसे होगा फिर? हां अरे क्या ये क्या है? ऐसे कैसे होगा? प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो गए, जल्दी खत्म करो ये सब चीज़ें। ये हमको गलत सलत पढ़ा देगी बाद में, बदला लेने के लिए बोल रहा हूँ। गरम हो रही हो ऐश्वर्य खेलेगी अभी? ये उल्टा सीवीपी पढ़ा दे तो अपनी लग जाएगी बाद में, मैं बोल रहा हूँ जल्दी सुलटा लो अपना। जल्दी करो यार, सब क्या है सब? मेरे कंधे पे से बंदूक मत चलाओ श्रेयस, हम लोग पीछे चला रहे बंदूक की नहीं खाने वाला। अंकन का खुशी देख, सारा क्यूटी मिल गया, कितना खुश। अरे नहीं नहीं मैं तो मजे ले रहा भाई। ऐश्वर्या आ रही है नहीं आ रही है? कम वी डू यू वांट टू डू दिस, इफ यू वांट देन टेक रिसर्च, आई डोंट नो। आई मीन दैट्स दैट्स द ओनली वे यार, दिस इज फॉर फन। सब कुछ देख लिया हम लोग ने एक महीने में, जस्ट शी इज नो नो अंकन, दिस इज नॉट फॉर फन, आई हेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट नाउ, जस्ट सेइंग। यू टुक क्यूटी फ्रॉम हर अंकन, एग्जैक्टली शी मींस इट नाउ। यू सी ऐश्वर्या वर्सेस निवेदा, SC. But yeah, I have basically. SC. No, the other SC, not your SC. Which SC does she have? Manike, don't worry, your position is secure. Okay. You are sorted. I think she has Ruchi ma'am's. She has Ruchi ma'am's SC. There is another SC on the sheet. I'm thinking about her SC. Which one are we arguing about? तू एक काम कर, तू शीट देख ले, अगर तुझे वो ऐसी चाहिए देन वी डोंट हैव टू डू दिस। नो यार देन व्हाट्स द फन? नहीं 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 मजा नहीं आएगा यार, झगड़ा कर रहे यार, बाल नोचो एक दूसरे के यार, बाल नोचो यार, गाली फाली नहीं देने से थोड़े यार साथ हो जाता।
पढ़ाई वढ़ाई तो चलता रहेगा यार, ये ज्यादा तो मजा कैसे आएगा यार. आर वी डूइंग दिस? I'm looking what your other paper. What is this second SC? What is this second? No, there is no second SC. Hey, Ray. कौन सा वाला है? नंबर बताओ. मुझे पता नहीं सही करा. Then this framework messed up by putting a paper that doesn't exist on the floor. Election commission. And people voted for it. Framework was this game based on lies? दो एससी है, एक कम्युनिकेशन वाला और एक ईआई वाला. ईआई की फुल फॉर्म भी बता देना. देयर इज अ चंद्रशेखर एंड नितेश फैकल्टी वाला एससी, व्हिच इज आई थिंक द सेकंड एससी. नो Yes, that's the AI one. Yeah. शगुन मेरे को गाली नहीं देगी ना बाद में? क्यों रे? नहीं नहीं. देखो सबका फन करा रहा हूँ मैं यार. नहीं मैं गाली तो देने वाली हूँ, किस चीज के लिए नहीं देना है वो बता दो. ओह. तो फन कराया उसके लिए गेम के लिए. करो मजे करो, मेरे को क्या है? अरे गाली. नहीं 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 चलो ठीक है कैंसिल करते हैं, शगुन गुस्सा हो जाएगी. ए शट अप उमंग, सच्ची में ऐसा बदनामी कर रहा है ना उमंग सबको. ऐश्वर्या जल्दी बता लेगी नहीं लेगी? थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट उमंग. ये कौन है दाऊद से बात कर रहा है, लेगी कि नहीं लेगी? अबे गंदा लोग. लेगी नहीं लेगी क्या? एससी चाहिए नहीं चाहिए? व्हाट डज ईआई मीन? इलेक्शन कमीशन. एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. भाई मैं तुम लोग की जगह होता ना, मैं तुम लोग की जगह होता तो गेम के फॉर द सेक ऑफ द गेम मैं कुछ भी ले लेता, बस गेम करवाना. हां तो आ जा भाई, कूद जा फील्ड में. अरविंद केजरीवाल. कैन वी डू दिस फास्ट? ओके, वी रियली डूइंग दिस. यस यस. रिस्ट्रिक्शन राइजिंग. आई वुड एट द कॉल ऑफ सीजर. ओके वेट वन सेकंड, वन आई कांट सी एनीबॉडी, मेरा वाईफाई थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है. देखो नहीं जरूरत है, मैं देख लूंगा. ऑफ कर लेते हैं आप सिर्फ आइसरिया को देखो. क्या चल रहा है? अरे यू वांट टू टॉस? एक मिनट, लुक एट योर आर्च एनिमी. यू वांट टू टॉस? हां यार क्यूटी तो हाथ से चला गया, मत बोल यार ये सब. यार तू ले ले यार क्यूटी, मतलब इतना. अरे ले ले यार, अरे एडजस्ट यार, एडजस्ट थोड़ा. हां ऐश्वर्या लेट्स गो. भाई मैं अकाउंटिंग लेके बैठा हूँ इधर, मैं को बोल रहा हूँ. उमंग आर यू द रेफरी? ओके ये वाला. या आई एम द रेफरी एट द कॉल ऑफ सीजर. एट द कॉल ऑफ सीजर ठीक है. स्क्रीन पे आना चाहिए, दोनों हाथ कैसे दिखाओगे पहले स्क्रीन पे लाओ. हाँ ठीक है, इतना आना चाहिए. ठीक है चलो. एट द कॉल ऑफ सीजर, रॉक पेपर सीजर. चिटिंग चिटिंग कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मेरे को मत गाली देना. मेरा नाम किसी ने वापस लिया ना, मैं छोड़ दूंगी अभी. देखो क्लीन एंड क्लियर रखो. जो भी खो खो बना है देखो, हमको फेल करने से बचाना है. तू जीती, यू गेट आर ऐश्वर्या. इफ यू वॉन्ट शी कैन टेक. आई एम किडिंग. गुड वन निवेदा, गुड वन. आई एम जस्ट किडिंग, इट्स फाइन ऐश्वर्या. इट्स ऑल कूल नो. Obviously, bro. अबे bro, तुम लोग मेरे से cool हो ना, मेरे को नहीं गाली दोगे? No, Umang, you are तो done for. Yeah. मैंने रास्ता निकाला इधर, देखो ऐसा. Umang, तेरे घर पे एक पेटी दारू पहुंच जाएगा. Thanks. Listen, if someone else wants to take SC, take it. Like I'm not. ले लो, चलो. और कोई? ठीक है. I don't want. I've not seen. आज रामबर स्टोन पेपर सीजर ही खेलते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सॉरी शगुन. ओके सॉरी फॉर द डिले. नाउ सी यू गाइस इन क्लास टुमारो. ठीक है चलो. बाय 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 बाय. वो मुझे लगा था करेबियन कैफे में से स्टोन पेपर सीजर्स होने वाला.
चल क्लास सॉरी शगुन लेट्स स्टार्ट नो प्रॉब्लम यार आई जस्ट एक मिनट सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को पूछ लेती हूं अंदर कोई यार शगुन मैम अब तो एजेंडा बता दो मतलब मेरे फ्रेंड्स को मतलब हम क्या दुश्मन है मेरे फ्रेंड्स के प्रतीक तो पूरे दो हफ्ते का निकल रहे के इधर ही मतलब यार बहुत भरा हुआ था मेरी कम नहीं खींच ली क्या तुमने अब हो गया ना मेरा मैं एक दिन मुझे लगता है यूटी राव सर का भी ले लूंगा मैं क्लास आप चुप रहिए प्लीज शट अप यू आर ओनली कंफ्यूजिंग अस इस दिन अगर मैं गलती से सो भी जाऊं ना मुझे उठा देना सच्ची यार वो फिर समझ में नहीं आ रहा है हाफ एन आवर का कौन लेगा मैं ले लूंगा तू ले लेगा प्रतीक प्रतीक तू बस दे मैं लूंगा तो टेंशन मत ले गाइस कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था ना एससी में वो थोड़ा अप्लाई करो आउट ऑफ करके बोल रहे हैं हम तनुज भाई तनुज सॉरी माय प्रॉब्लम सॉरी सॉरी तुम जाओ जाके नारगढ़ देखो अरे आओ जयपुर में घुमाता हूँ सबको नारगढ़ अरे चार साल था बहुत घूम लिया वहां पे ठीक है अभी कॉन्सेंट्रेट करना तो प्रोफेसर मैडम को हाँ हाँ चलो नो 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 इट्स ओके हम कॉस्ट क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था नो ओके नाउ आई विल टॉक ओके तो आई डोंट नो कितने जन फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं सो आई जस्ट क्विकली रिपीट थोड़ी थिंग्स विच एवरीवन नीड्स टू नो सो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज सो इन द फर्स्ट लेक्चर वी कवर्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन ठीक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज नेवर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू इन लाइफ Based on the classifications, certain classifications come handy in other calculations, one of which we are doing today. So, वहाँ पे हमने fixed और variable cost सीखा, जिसका use today we will do in CVP analysis. Okay, for everyone who's joining for the first time, there is one key thing you need to know. You are solving every question from a baniya's point of view. You are a baniya, okay? So you have to see tumhara kharcha kidhar ho raha hai, tumhe kahan paise mil rahe hai. This is the POV that you have to keep. It's all about decision making. You have to see whether you are making a profit. To make a profit, at what cost, at what price you need to sell your product. And whether making the product is feasible at all or not. ठीक है, these are the basic blanket instructions for any lecture. Second thing is, मैं थोड़ी distract हो जाती हूँ questions आते हैं तो, so we'll keep questions later. You can text me, you can ask on this meeting also. But note down the questions, we'll take them later. ठीक है, okay. I will now share my screen. ठीक है ना सबको दिख रहा है ना ओके सो हाँ थैंक्स प्रभात ओके सो हाँ सो इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन आई टोल्ड यू वन बैकबोन दैट वी लर्नड इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड वी हैव हार्प्ड ओवर इट टू नो एंड वेरिएबल कॉस्ट इज लिंक्ड टू एवरी यूनिट जितना एक एक यूनिट बढ़ता जाता है उतना मेरा कॉस्ट बढ़ता जाता है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड सो डायरेक्ट मटीरियल इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एवरी टाइम आई मेक अ न्यू शर्ट आई नीड न्यू मटीरियल फैक्ट्री रेंट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आई मेक 50 यूनिट्स और आई मेक 0 यूनिट्स आई पे द सेम अमाउंट ऑफ रेंट एवरी मंथ ओके नाउ वॉट हियर वी आर गोइंग टू डू इन सीवीपी एनालिसिस So when I increase the number of units that I sell, every time I increase a unit, mera variable cost bhi badh raha hai. So as such, it is having no impact on my profits because my cost is also going up, my sales is also going up. Where I start making a profit comes when I cover my fixed cost. So there is one magical number of units when I manufacture. कि वो जब हिट हो जाता है तब मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगा एंड इफ आई मैन्युफैक्चर ओवर एंड अबव दिस पॉइंट आई विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स ओके सो दैट मैजिकल नंबर वी हैव टू फाइंड विच इज व्हाट सीवीपी एनालिसिस इज ऑल अबाउट इट्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट्स ओके
सो नाउ द स्ट्रक्चर दैट आई विल टेल यू नो ये तो रट्टा होना चाहिए. इवन द केस स्टडी इट इज अट आई डोंट नो इट्स अ होल नॉवेल बट इवन दैट कैन बी समराइज्ड इन दिस वन इनकम स्टेटमेंट. सो वी कॉल दिस द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. ओके सो सपोज माई सेल्स इज ऑफ 100 रुपीज. ओके फर्स्ट आई सब्ट्रैक्ट माई वेरिएबल कॉस्ट. सो से माई वेरिएबल कॉस्ट इज 50 रुपीज. लेट्स नॉट टेक 50. ओके so my now this word is important. This is called my contribution. Okay, my contribution is sales minus VC. Okay, so if you remember in the first lecture I told you that the minimum amount that you will quote is your variable cost, because fixed cost you are going to incur nonetheless, right? So similarly this is not your full profit, right? But this is what you will use to cover your fixed costs. I'll explain what I mean by that. So when I make a revenue of 100 and I incur a variable cost of 80, I'm left with some contribution is a sort of profit. It's an incomplete profit. Isme se abhi bhi fixed cost nikalne wala hai. Now I will subtract my fixed cost from this. If my fixed cost was 20, right, then contribution mera pura fixed cost cover karne mein nikal jayega and I will be left with no profit, no loss. Okay, now if my fixed cost was more than 20, I'm making a loss of 20 rupees, right? So the and if my fixed cost was less than my contribution, I make a profit of 10 bucks, right? Now the scenario where my fixed cost results in a profit of zero, that point is called my break-even point. I am breaking even. I am not making money. I am not spending money. Okay, that is my break even. So the whole essence of calculating break even is ki kam se kam itna to karna hai. If you are not able to break even, if you are making a loss, dhanda karne mein koi matlab nahi hai. Again, there are some industries which do for, I mean, they decide to take a loss for a few years and then they start breaking even in like the fifth year or sixth year. But ideally, you need to at least have an idea ki at what point you're going to break even. Varya, can you mute yourself? Can you mute yourself? Okay, never mind. Okay, so this structure you will have to remember. Sales minus variable cost gives you your contribution. Your contribution is contributed towards your fixed cost. Whatever remains is your profit or loss. Okay. Now, here what happened is I gave you your sales figure, right? I told you your sales is 100 and then we calculated. The idea is that at the break-even point, you have to figure out ki sales kitna hona chahiye in order for this number to be zero. So you're essentially going to be doing a down to top calculation. You don't know how much to sell. You know ki you want to make zero profit loss. You know that your fixed cost needs to be 20. So from that, you will calculate upwards to calculate what your sales needs to be. Okay. So the down there are two formulas for break-even point. One is in number of units. It tells you to produce these many number of units. So the idea is agar tum itne number of units karoge, to your profit or loss will become zero. Okay, so the formula for break-even in number of units is okay. Now, another way to understand this formula is to cover my fixed cost. How many times do I need to divide it by the contribution? Okay. Contribution kitni bar lagega to get my fixed cost figure. That is why this is the formula. Okay. And
then there is another formula of break even if you want to calculate directly in terms of amount. Okay, so एक तो what you can do is you can use this formula, you will get the break even number of units. Just multiply number of units into sales price. This is the simplest way to do it. Always calculate break even number of units and then multiply it by the sales price. This is a simple way of doing it. But there is another way where you can directly get your sales amount. So the formula for that is, I'll just write the formula and then explain it. So now this is, I'll first explain to you what your PV ratio is. This is again a very important ratio jo sabke dar kaam aata hai. PV ratio means profit volume ratio. It is contribution upon sales into 100. What this is denoting is, like in this case, out of every 100 rupees I make, my margin, my contribution margin is 20 bucks. So my PV ratio is 20 upon 100. Okay, so that's my PV ratio. It's like out of every sales, how much margin am I getting left after deducting variable cost? Okay, so to find break, okay, sure. Thank you, Triambak. Pratik, I'll read your question baad mein, theek hai? Okay, so break even in terms of number of units is fixed cost upon contribution per unit. Break even in terms of sales amount is fixed cost upon PV ratio. And PV ratio is contribution upon sales into 100. Okay, so when you get the number of units here, you can multiply it by sales price and then you can input this figure. When you will input this figure, your profit and loss will become zero in this income statement. ठीक है, सो थिंक ऑफ इट दिस वे दैट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट आई एम लेफ्ट विद अ सेमी प्रॉफिट. ओके, थिंक ऑफ दैट सेमी प्रॉफिट फिलिंग अप समथिंग. ओके, फर्स्ट इट फिल्स अप योर फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाटएवर इट फिल्स अप अबव फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स योर प्रॉफिट. ठीक है, so I actually, this is the only crux of the topic that was discussed in the previous session also. There is another concept called margin of safety. Okay, so what margin of safety is, suppose I know ki mera sales jab 100 hai, at that point I am breaking even. I have calculated this, but I say ki for safety, no, I will do sales of 150. In that case, this 50 becomes my margin of safety. Why we do this is because tomorrow, God forbid, my fixed cost increases for some outlandish reason, I at least have this buffer of an extra 50. Okay? So that's my margin of safety. Now, if you want to calculate, basically see, in this break-even formula, अपन ने ये देखा कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी बार लग रहा है टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू कैलकुलेट, सपोज आई वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20, मेरे को इधर चाहिए कि 20 रुपीज आए नंबर प्रॉफिट, सो आई विल ऐड इट. हियर वी वर कवरिंग ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? अभी प्रॉफिट फिगर वॉज जीरो. नाउ टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 20, the formula will change to fixed cost plus desired profit. So now what I'm looking at is, I'm not just covering my fixed cost with my contribution, I'm also covering a little bit of extra profit. So margin of safety just goes one step ahead of where break even stops, it goes ahead and gets you a profit, but the formula is exactly the same. I'm actually done explaining this.
I will give you 1 6-minute what PV ratio indicates. I'll explain that, Monica. So PV ratio is my contribution upon sales, right? So it is basically telling me ki if I make a sales of 100, I will make a semi-profit of 20. Think of contribution as a semi-profit, jisme se abhi bhi fixed cost nikalna baki hai. So it's not fully my profit yet. So my PV ratio indicates this semi-level of profit margin. If I was calculating full profit, how will you calculate your profit margin? You will say ki mera 100 rupiah sales hua and I made a profit of 50 bucks. It is the same formula that 50 upon 100 ke jagah pe instead of full profit amount, you are taking this contribution amount jisme se abhi bhi fixed cost will get subtracted at some point in the future. Okay? Okay. Got it. Thanks. Cool. I'll just see Pratik's question. So variable cost will be in a certain range. So that can also be figured out. Only sales nikalna. Ha, so correct, Pratik. So see, when I get break-even number of units, right, or I get the amount and then I divide it by sales price, to meko wapas number of units aa jayenge. Once I have the number of units, I simply have to multiply them by variable cost per unit. And then I get the full variable cost amount. So your sales and your variable cost are going to get applied to the same number of units. So whatever your break-even analysis tells you, you will multiply it once by selling price to find sales, and then you will multiply it by variable cost per unit to find your total variable cost per unit. So if I'm doing a pure break even where I'm not actually, if y'all are finding the concept of margin of safety trickier, leave it for now. For now, stick to break even. So I'll get one sales, I'll get variable accordingly. You understood how I got variable. Then I'll get my contribution. Mera fixed to fixed tha. Once I subtract fixed, mera profit or loss zero ho jayega. Theek hai? So I'll send you 1 6-minute video jahan pe there is a live example where he will show you ulta calculate karke. Where I have shown you from top to down, he will show you down to top. And he will show ki sales kaise aya. But basically it comes from these two formula only. Okay. So you can remember it logically or you can rato it. It makes complete logical sense also. If you think of it in this sense, I have to cover my fixed cost. How many times do I need to earn contribution to cover it? That gives me the number of units that I need to produce to break even. Okay. So that is literally it. I think I will just go through Sir's folder once. And then I'll just give you one little this about the case study, what's happening in the case study. Okay, theek hai, there is nothing else. So what you can think of this is in real life while actually doing business, if my break-even analysis tells me to make no profit and no loss, I need to manufacture 50 shirts, okay? But my marketing research team tells me that you cannot sell more than 20 shirts. Demand hi nahi hai utna. In that case, I know that this business is no longer feasible. Because to break even, to make no profit also, I have to make 50 and I can sell only 20. So that is the whole purpose of why we calculate break even. Now, what Sir is going to do tomorrow is he's going to solve the case study. Okay. So what I encourage you all to do is you all go through the case study. Every number in the case study, you know, can be put into this income statement. Okay. There will be some costs like the there is one employee cost. Okay.
हाँ सो योर सो देर इज सम फूड का कॉस्ट एंड ऑल ओके सो इट्स अ कैफे राइट सो दे आर सर्विंग फूड सो दैट फूड एंड ऑल विल ऑल गो इन वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज दैट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फूड पीपल बाय एंड देर आर सम कॉस्ट लाइक अ दिस वन हायरिंग मैनेजर सैलरी एंड ऑल सो ऑल दैट विल गो इन फिक्स्ड कॉस्ट सो वॉट यू डू इज वाइल यू आर रीडिंग द केस एंड यू एनकाउंटर एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट यू मार्केट एज ईदर फिक्स्ड और यू मार्केट एज वेरिएबल then you put it in this format for sales also what they have done is they have given three scenarios so that is generally that's an arbitrary number that people give like a research department will come and tell you ki agar things go well you will be able to do this much business if so they have given it as an optimistic case a realistic case and a pessimistic case so those three will help you calculate your sales amount then all variable costs that you have marked you put under variable when you will subtract sales mein se variable cost you will get your contribution amount then you will identify your actually do the identification first so you'll have all fixed costs ready then you will subtract fixed costs from your contribution then apply the break even formula right break even will need fixed cost it will need contribution that will give you the number of units you need to sell to break even and then you will determine ki whether that level is achievable or not that is broadly what is happening in the case study now I have finished the case study I can explain it in detail but I think that's what sir is going to do tomorrow so there is no point in me going in detail for that Radha I suggest you all try it once theek hai bas but I think concept wise this is it So we can open for questions now. तो जो कल का pre-work है उसमें कुछ new नहीं है यही है I think the concept stop here. I have not watched the video, but based on the material he's given and the action plan he has outlined is he's going to discuss the case study. हाँ वो उसमें कुछ नहीं है कुछ नहीं है PPT है पांच slide है उसमें वो case study कोई explain कर रहा है और कुछ नहीं है 11 minute का video है वो भी Oh okay. So mostly we'll do the case study together tomorrow. Could I explain the loan part of the deal and repayment? Are you talking about the actual case study? Vedank, okay. So I'll tell you now only. Jitna meko yaad hai, that person takes a loan, right? So what you will do is, uspe jo interest hai na, that will become part of your fixed cost. So you will take the loan amount, you will multiply it by the interest percentage. Whatever number comes, it will be your fixed cost. So basically like this now, what Vedang asked, aise 1000 aur costs us case study mein hai. So you have to apply your this ki, is it fixed, is it variable? And also calculating that number is slightly tricky. Matlab, employee cost, they have not seedhe given that this is what the employee cost will be. So you will have to calculate itne hours they work per hour itna they get paid so the employee cost will be this much like that so first just identify actual number kya hai wo baad mein karenge Drishita you can ask your doubt yeah so jaise you know you mentioned there is optimistic realistic and pessimistic right yeah. so jab hum cost calculate kar rahe hai we calculate like you sales ka teen different cheez ya which one do we take I'll tell you. So ideally, I'll just share the solution of the case study. You have to do the same calculation for all three scenarios. Okay. It's just that you have to be prepared for all three scenarios. So in that, what the biggest thing you'll notice is that fixed costs and those things will remain same no matter which scenario it is, because they don't get impacted by the number of units. But your variable costs will change, and hence why your break even point will also change so in a pessimistic scenario tum forget how you reached break even okay tum aur main conceptually baat karte hai agar main pessimistic scenario mein hu okay which means ki mera sales amount hi kam hai which means it's going to be more difficult for me to cover my fixed costs correct which means my break even point will go higher Because I have to produce more to cover that fixed cost. मेरे को contribution और लगेगा वो fixed cost का वो करने. True. ऐसा. So that's why the break even will change. हाँ.
इन दिस केस जैसे केस स्टडी में भी क्वेश्चन है दैट इज द बिजनेस फीजिबल इनफ और नॉट करेक्ट, तो वो हम किस चीज को लेके करेंगे, शुड वी टेक ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक? ओह नो, सी आइडियली देन समबडी विल हैव टू कम एंड टेल यू कि इन तीनों सिनेरियोस का प्रोबेबिलिटी क्या है. And then you take an expected value. Or if one of the scenarios is most likely, then you will consider only uska. And so that, I mean, I hate to use the words, but it will be subjective to whatever the scenario really is in reality. Okay. Cool. अच्छा गाइस, वो ब्रेक इवन के इधर मैंने डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड किया था, दैट्स नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्मूला. ब्रेक इवन का फॉर्मूला में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रहा है. I'll just add margin of safety formulas for you. Usme desired profit aayega. ये दो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज हैं सेल्स अमाउंट के, आई होप दैट इज क्लियर. आई पर्सनली, मेरे को कॉस्टिंग ज्यादा फॉर्मूला से ही याद रहता है, मतलब मेरे को लॉजिक याद रखने को ज्यादा डिफिकल्ट जाता है. आई एम फ्रॉम स्टेट बोर्ड, तो मेरे को रट्टा मारना ज्यादा ईजी जाता है, तो आई प्रेफर रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज एज इज. बट येस, यू शुड एटलीस्ट नो द रीजन वाई द लॉजिक इज. आई हैव फ्रेंड्स जो फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखते, दे डू इट हाँ ऐसे सी. तो आई हैव फ्रेंड्स हु प्रेफर टू नॉट रिमेम्बर द फॉर्मूला एट ऑल. वो लोग लॉजिकली सोचते हैं ओके, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इतना मेरे को कवर करना है, वॉट अमाउंट एम आई कवरिंग माई फिक्स कॉस्ट विथ. सो कॉन्ट्रीब्यूशन का वर्ड यही है, इट्स गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई फिक्स कॉस्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. सो यू कैन रिमेम्बर इट दैट वे. या ऐश्वर्या, first of all I'm sorry for earlier my dad walked in and asked who's teaching so well. Not anything, it was just white noise, we couldn't hear anything, it's not a problem. For information, it was he asked who's the teacher teaching right now, and I was like, no, she's like a C and she's helping all of us out and she's like really nice. thank you. And I was just I had a question about the case study, and first of all thanks for doing this genuinely, because the notes really, I couldn't process them. I hope now also it's clear, because I know this is slightly a big level up from the cost classification, but like y'all ask as many doubts to ho jayega clear. I had a question in the case study actually, because when I went through it, it said that assume 60% of the customers do are on the computer and the others are not, so correct, how do we like go about that? Yeah, so okay, then I'll open the case. No, so if you could you like share it, then so I'll try and understand. I'll share the solution. Okay, I must have indicated in brackets. I've tried to add wherever, like why I've taken which amount, I've written in brackets. See, I'll tell you, jitna mujhe yaad hai na, that 60% na, where it will come handy is suppose that analysis, that forecast has told you that 200 customers are coming. Okay, when you are calculating the revenue from internet, you will do 200 into 60% because only 60% are paying. For example, I'm not sure of the numbers, I'm telling you the thought process. But when you're calculating food and beverage, wo to sab 200 khane wale hai, aise likha hai unhone, that food and beverage all customers will pay for. So at that time you will take full 200, but while taking revenue for internet, you will do 200 into 60 and 60% and take only 60% say revenue. Acha, okay, understand. I'll still send the file, so it'll become clear. Thanks. No problem. Okay. I thought there'll be more doubts today. Yaar, tumko either kuch nahi samjhaya ya bahut acche se samjhaya. And I think it's the former, unfortunately. नहीं है किसी को, एक बार ही इसके आगे जाके फिर से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगे. एग्जैक्टली. हेमंत का एक डाउट है.
1 minute. Okay, wait. First, we'll take Hemant's vote. I actually didn't understand why are we calculating the PV ratio. Okay, I'll tell you. Okay, that's a good one. We'll take that up. I can't say Hemant's doubt anywhere. Okay, Manvi ko wo scenarios ka puchna hai. Hemant, operating leverage bhool jao. Abhi nahi, wo bahut aage ka concept hai. Apan baad mein karenge operating leverage. ओके तो इधर डाउट क्या है अभी ओनली दैट सिनेरियो वाला डाउट इज देयर एंड ऑपरेटिंग लेवरेज आई विल नॉट टेक नाउ बट कहीं तो स्टार मार्क करके लिख लो कहीं तो एट सम स्टेज आई विल कवर इट सो अदर देन दैट इज दैट सिनेरियो वाला द ओनली डाउट वी हैव एंड कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो वाला राइट ओके तो सिनेरियो वाला खत्म कर देते हैं ओके तो सी उन्होंने क्या ना इट इज अ केस स्टडी स्पेसिफिक थिंग इन द केस स्टडी दे हैव सेड कि दे कंसल्टेड सम रिसर्च कंपनी विच टोल्ड देम कि ईदर यू विल गेट 200 कस्टमर्स और यू विल गेट 100 कस्टमर्स और यू विल गेट 60 कस्टमर्स ऐसे तीन सिनेरियोज उसने आउटलाइन किए हैं सो जनरली रिसर्च कंपनीज गिव यू सच सिचुएशंस कि यार कोविड हो गया तो तुम्हारा बिजनेस इतना गिर जाएगा लॉकडाउन खुल गया तो तुम्हारा बिजनेस इतना इतना फ्लरिश करेगा सो दोज आर ऑल एस्टिमेट्स विच आर जस्ट आर्बिट्रली दे कम एज एन इनपुट टू द कॉस्ट शीट इन आर कॉस्ट शीट वी विल जस्ट एक्सेप्ट इट एज द ट्रूथ एंड वी विल प्रिपेयर थ्री सिनेरियोज कि भाई ऐसा हुआ तो मेरा ब्रेक इवन ये है ऐसा हुआ तो मेरा ब्रेक इवन ये है बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद कैलकुलेटिंग दोज सिनेरियोज इट्स नॉट नेसेसरी देयर विल बी थ्री सिनेरियोज सो लाइक एट वर्क What we used to do is, जो cost sheet बनती थी ना, we used to run it through many scenarios. It's called a stress test, where you stress your portfolio to see कि इतना stress लगाया उसको तो can it handle it. So we used to calculate 1929 depression हो गया, तो क्या हो जाएगा? Covid crisis हो गया, क्या हो जाएगा? Black Friday हो गया, Black Monday हो गया, तो क्या हो जाएगा? So those are like मतलब उसका कोई end नहीं है, they are arbitrary things, ठीक है? You have to calculate for all scenarios, basically. Okay. And Isha, so PV ratio क्या है? अच्छा, पहले तो तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें break even directly amount में चाहिए, तो वो formula में तुम्हें PV ratio use करना है. Okay? वहाँ पे तुम कर रहे हो fixed cost divided by your PV ratio. Correct? Now, what is PV ratio? Why are we calculating it? So like I said, your contribution is what is going to go towards either it will become your fixed cost, either it will cover your fixed cost or it will become your profit. Agar bach gaya fixed cost cover karne ke baad, to profit ban jayega. To hum, achha, tumhe ye malum hai ki tum profit kaise percentage, profit percentage kaise calculate karte ho life mein, just in general. Profit percentage, jaise hum log profit nikalenge aur fir cost price se. सेल पे तुम लोगे उसको अच्छा ठीक है सो इट्स लाइक आई सोल्ड द चॉकलेट फॉर 100 रुपीज मैंने 50 में खरीदी थी तो मेरा प्रॉफिट 50 है ये 50 इज इट कैन बी डन ऑन कॉस्ट ऑल्सो बट जनरली अपन उसको सेल्स पे लेते हैं ठीक है तो दैट इज माई प्रॉफिट परसेंटेज तो जो पीवी रेशो है ना इट इज एग्जैक्टली दैट एक्सेप्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा पक्का पक्का प्रॉफिट नहीं है अच्छा अभी तक उसमें से एफसी निकलना बाकी है बट अपन एक फिगर रेडी रख रहे हैं कि बिफोर एफसी निकलने से पहले तो मुझे पता होना चाहिए सो इट इज सी अपॉन एस इज गिविंग यू आउट ऑफ एवरी 200 रुपीज ऑफ सेल आई अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 दैट इज माई पीवी रेशियो थैंक यू सो इवन थिंक अबाउट दैट इट्स कॉल्ड PV, profit volume. Upar profit aa raha hai. It's not profit, it's contribution, but contribution is sort of profit. Niche volume aa raha hai. Volume kya hota hai? Sales volume. Sales. ठीक है. और कुछ doubt? यार मेरे को डर लग रहा है. Last class में इतने doubt थे. तुम लोग doubt नहीं पूछ रहे हो आज. आपने इतना अच्छा पढ़ा है. ओह जरूर. मजा आ गया पढ़ा. हाँ. मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो
थैंक यू अभिलाष. एक एक वो petition.org फाइल करेगा यूटी राव का चेंज कर दो. मत बोलो यार, एक तो ही सो स्वीट ना, आई फील सो. मैं तो पहले बोला था सर को कोको बना दो. ओह थैंक यू गाइस. लिसन वन क्वेश्चन. वो टर्म को कुछ और बोला है वगैरह तो आई विल लेट यू गाइस नो. मतलब सी ए फाइनल के सिलेबस में दीज वर द वर्ड्स वी यूज्ड, तो ये स्टैंडर्ड वर्ड्स तो पक्का है. तो ऐसे डरना मत, उधर कुछ और वर्ड आ गया तो मैंने कुछ गलत नहीं पढ़ाया है तुमको. हाँ, और केस स्टडी में अगर तुम्हें डाउट्स पूछने तो पूछ लेना, बट एनीवेज आई थिंक सर विल डिस्कस इट टुमारो. और कल नहीं समझे तो वी विल डू वन सेशन ऑन द एंटायर केस स्टडी, ओनली अपन साथ टू स्टार्ट टू एंड साथ में सॉल्व कर लेंगे. कूल, ठीक है. 9 बजे परफेक्ट टाइम पे भी रैप हो गया. थैंक यू सो मच शगुन. नो प्रॉब्लम, सही हो मैम, आप एकदम टाइम वाइम का ध्यान रखो. ठीक है, ओके, यू गाइस आर वेलकम एंड यू डोंट हैव टू से थैंक यू, इट्स ओके. मतलब आई हैव थैंक यू तो यूज हो रहा है. मैम आपका फीस गूगल पे कितना आपका फीस है? आई विल नेवर पे एट छोटा. ओके, किसी ना किसी को तो जाके पे करना. गॉड गॉड थैंक यू. बाय शगुन. बाय. थैंक यू. नो प्रॉब्लम.